यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। अज 25 अगस्त 2020 दे लई प्रभु दे बड़े शुक्रगुजार हाँ। और अजीजो अज का साडा संदेश जो प्रभु दे वचन विचों है और प्रभु का वचन ही है और इस संदेश नूं अज फिर तुहाडे सामने लैके आया हाँ। और ये दानियल की किताब उसका पहला अध्याय और उहदे विचों असी लै रहे हाँ। और इस संदेश का नाम है हाँ या ना, हाँ या ना, इसका टॉपिक है क्योंकि खुदा दे लोकां दे अंदर हाँ दी हाँ अते ना दी ना हुंदी है और वह डबल कदे भी नहीं चल सकती क्योंकि उन्हां दा प्रभु उन्हां दे नाल पाया जांदा है। मेरे जी जो मैं तुहाडे सामने कुछ लिखतां नूं लैके आया हाँ और ये लिखता हैं दानियल की किताब उसका पहला अध्याय और लिखा है पहली आज यहूदा दे राजा यहोयाकीम दे राज दे तीजे वरे विच बाबल दे राजा नबूकदनज़र ने यरूशलेम उत्ते चढ़ाई करके उदे आले दुआले घेरा पा लिया। यहोयाकीम यहूदी है और यहूदियां दा राजा है और यरूशलेम दे अंदर राज कर रहा है और यहोयाकीम दे तीसरे वरे बाबल दा पातशाह नबूकदनज़र अपनियां फौजां लेके यरूशलेम दे आले दुआले उसने घेरा पा लिया है और जदों उसने घेरा पा लिया है कि यहूदा दे राजा यहोयाकीम नूं अते परमेश्वर दे घर दे कुछ भांडिया नूं अते जो दे हाथ विच ओ उन्हां नूं लै के सिनार दी धरती विच अपने जोती दे घर लै गया अते ओ भांडिया नूं अपने दोते दे पंडार विच उसने जमा कर दिता। मेरे जी जो उसने फिर लिखा है कि वचन कहता है कि खुसरियां दे सरदार असपनज नूं हुक्म कीता कि ओ इसराइलियां विचों अते राजे दी अंश विचों अते कलीना विचों लोकां नूं लिया के पेश करे और निर्मल जवान सगो रूपवन अते सारी मत विच होशियार अते ज्ञानवंत ते विद्यावान होण जिन्हां दे विच शक्ति होवे कि ओह राजे दे दरबार दे विच खलो सकण। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे। मैं दसना चाहुंदा हाँ कि ये चार जवान जिन्हां दा जिक्र दानियल दे पहले अध्याय विच आउंदा है और खुसरियां दे सरदार असपनज ने इन्हां जवानां नूं लै लिया यरूशलेम तो और इन्हां नूं गुलाम बना के इन्हां नूं बाबल दे पातशाह दे कोल सिनार विच लै के चला गया। बड़ा लंबा सी सफर 2700 मील का सफर इन्हां जवान बच्चियां ने कीता और ए एक ग्रुप दे नाल चल रहे सन जिदे विच पैना भरा और बजुर्ग बच्चे हौली हौली तोरे जांदे सन। याद रखो
सफर बड़ा लंबा सी, सफर 2700 मील का सफर सी जेड़ा इन्हां ने तय किया। और जो डानियल और सदरक मीसक अबदनगो जो चल रहे सन नबियां दी ओ पुस्तक जिहड़ी उसने लिखी सी नबूवतां दी पुस्तक उसनू अपने नाल लै लिया और 2700 मील सफर करके इन्हां दे दिलां च इह सी भई असीं यहूदी हाँ और असीं यहूदी रहांगे और अपने परमेश्वर का हमेशा धन वाद करांगे, कदे उहदे तो असीं वक्खरे नहीं होवांगे। मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहुंदा हाँ, लिखत है कि राजे ने उन्हां दे लई अपने स्वादले भोजन विचों अते अपनी पीण दी शराब विचों नित दिहाड़े कि तिन्ना वरियां तीकर ओ पाले जान, तिन्ना वरियां तीक ओ पाले जान और ओ इस स्वादले भोजन दे नाल। याद रखो सदरक मेसक अबदनगो दे अंदर यहोवा परमेश्वर दे लई अणख सी, भावे ओ गुलाम हो चुके सन, भावे ओ दूर अपने देश तो 2700 मील दूर जा चुके सन, लेकिन उन्हां दा परमेश्वर उन्हां दे नाल सी, उन्हां दा परमेश्वर उन्हां दे नाल सी। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत दवे। मेरे अजीजो, असीं वेखदे हां लिखत कहिंदी है, 8वीं आयत है, पर दानियल ने अपने दिल विच मनसा धारी पाई अपने ताई राज दे स्वादले भोजन अपने आप नू प्रिष्ट नहीं कर सकदी। खुसरां दे सरदार अस्पनज नू दानियल ने आख्या सानू इस खाने तो माफ कर दिता जावे क्योंकि असी ये खा के पी के असी अपने आप नू प्रिष्ट करना नहीं चाहते। उन्होंने इस खाने तो ना कर दिती। संदेश है हाँ या ना। तो मेरे अजीजो, असी वेखते हाँ कि उस खुसरियां दे सरदार अस्पनज ने आख्या, मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहुंदा हाँ, अते खुसरियां दे अते परमेश्वर ने अज्ञा कीता कि खुसरियां दे सरदार ते कृपा ते प्रेम दी निगाह दानियल दे उत्ते और खुसरियां दे सरदार दे सरदार ने दानियल उत्ते आख्या। और लिखत कहती है, और खुसरियां दे सरदार ने दानियल नू आख्या, पाई मैं अपने स्वामी महाराजे जिस तो उन्हें तुहाडे खाने का प्रबंध ठहराया है, जे तुहाडे किते चेहरे माड़े दिसे ते मेरा सिर खतरे विच पै जाएगा। और उन्होंने कहा, कृपा करके सानू दाल ते रोटी दिती जाए, ए 10 दिन लई सानू दिती जावे, 10 दिनां दे विच तुसी अपने दासां नू और जिन्हां ने शराब पीती है
पी रहे ने स्वादला भोजन खा रहे ने आमो सामने करके वेख लियो। दसवें दिन जद उन्हों प्रीख्या हुई और जेडे राजे की शराब पीते सन और स्वादला भोजन खाते सन, याद रखो उन्हां दे चेहरे माड़े सी। अते दान सदरक मेसक अबदन गो ते दानियल दे चेहरे उन्हां नालों वधिया सन। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। अज दा संदेश है हां या ना। वेखो असी परमेश्वर लई हां करदे हां या नहीं करदे, ये फैसला मनुख नू आप करना पवेगा। भई वह परमेश्वर दे नाल उसने रहना है या फिर उसने दुनिया दे नाल रहना है। मेरे आजी जो दुनिया तो ते काणी कौडी नहीं मिलेगी मनुख नू, पर परमेश्वर दे कोलो हमेशा दा जीवन मिल जाएगा, सदा सदा दा जीवन मिल जाएगा। ऐसा फैसला दानियल सदरक मेसक अबदनगो ने किया है। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत दवे। और मैं दसना चाहुंदा हाँ कि जब उन्हां दे चेहरे वधिया लगे, क्यों वधिया लगे? एक ते ओ परमेश्वर दे सामने उन्होंने हां कीती, भई प्रभु असी तैनू छड नहीं सकते, और राजे नू ना कर दिती और ओदे हुक्म दी परवाह इस है हां या ना। असी किधर चलांगे, किधर चलांगे, कीदे पिछे चलांगे, दुनिया दे पिछे दौड़ांगे जां आप मसीह दे नाल चलांगे। जिंदगी दे हां या ना। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बात सो मैं दसना चाहुंदा हां, जंग जित लिया। केड़ा जंग सी? राजे दी शराब, राजे दा स्वादला भोजन, ओदे तो उन्होंने की कर दिती? ना कर दिती, और अपने परमेश्वर दे हुक्मां नू अपने हिरदे दे अंदर रखे, जिहदे नाल करोड़ां अरबां लोकां दीआं जानां बच गईआं जिहड़े यीशु मसीह दे नाल चलदे चलदे अलोप हो गए, पर उन्हां ने अपने मसीहा दा इनकार नहीं कीता। मेरे आजी जो इत्थे मेरे कोल दानियल तीसरा अध्याय है, और मैनू खुशी है कि मैं तुहानू हर रोज संदेश हां, और नवे तो नवा संदेश जो बाइबल के आधार से हुंदा है, दुनिया के आधार से नहीं बाइबल के आधार से हुंदा है, मैं तुहाडी वचन नाल सेवा करदा हां। आओ असी पढ़ांगे दानियल तीसरा अध्याय और उसकी 16 आय। इत्थे भी हां या ना है, टॉपिक है हां या ना। 16वीं आयत नूं मैं तुहाडे सामने लग्या हां, और लिखत कहिंदी है तां सदरक मेसक ते अबदनगो ने राजे नूं उत्तर दे के आख्या, हे नबूकदनज़र, असी इस गल विच तुहानू उत्तर देना जरूरी नहीं समझते, और साडा परमेश्वर दीदी असी सेवा करते हाँ, ओ सानू तेरी अग दी बल दी पट्ठी तो बचाउण दी शक्ति रखदा है। किन्ने दलेर ने और राजे दे हुक्म नू ना कह रहे ने और अपने परमेश्वर दे नाल खलोते हुए ने।
रब तुहानू बहुत वड्डी बरकत दे और जो राजे नू राजे दे कन्ना विच गल पै गई कि इन्हां ते आ गल कह दित्ती है और लिखिया है वो कहिंदे तेरी अग दी बलदी पट्ठी विचों साडा प्रभु सानू छडाउण दी शक्ति रखदा है। हे महाराज नहीं ते तेनू पता होवे असी तेरी मूरत दे अगे मथा नहीं टेकांगे। और उसने हुक्म कर दिता भई फौज दे विचों पहलवान मनुख मंगाओ, इन्हां बंदियां नूं उन्हां दे कपड़ियां सने बन लो और उन्हां नूं अग दी बलदी भट्ठी विच सुट दिओ। कि भला खुदा दे लोक डर जांदे ने? मैं पूछदा कि वह डर जांदे ने? मैं हाथ उठा के कहना बाइबल दे विचों मारे गए ने पर वह डरे नहीं, उन्होंने ना नहीं की। याद रखो अपने परमेश्वर नूं ना नहीं कीती ते उन्हां दे कम्मां लई हां नहीं कीती। इस करके वचन कहिंदा है हां या ना। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी कृपा दवे। इत्थे लिखत कह रही है कि तद नबुकदनज़र ने अपने आप विच बड़ा तौ खादा अते उहदे मूंह दा रंग बदल उहदा मूंह दा रंग सदरक मेसक अबदन गो दे उत्ते बदल गया। तां उहने हुक्म दिता पट्ठी नूं सत गुणा वध ताज। इत्थे हौली हौली बन रही आ सत गुणा वध ताज और इन्हां नूं फाड़ सुट्टू। मेरा जी जो कि निश्चावान मौत ताई वफादार नहीं रहिंदे। वचन कहिंदा मरण तोड़ी की रहिंदे ने वफादार रहिंदे ने। प्रभु तुहानूं ढेर सारी बरकत दवे। सो असीं वेखते हाँ कि पट्ठी जिहड़ी आ दस्तूर दे नालों सत गुणा वध ताई गई अते उन्हां ने अपनी फौज विचों तगड़े पहलवानां नूं सद लिया। उह कपड़िआं नाल बन्न दित्ते गए और उन्हां नूं उस पट्ठी दे मूंह ते खड़िया गया और जद उन्हां नूं पट्ठी दे अंदर उन्हां ने पा दिता लंब उन्हां दे मूंह दे उत्ते पई अब्राहम इजहाक अते जकूब दा परमेश्वर उन्हां दे पट्ठी विच जाण तों पहलां उत्थे खलोता होया सी। हालेलुया, क्योंकि निश्चावान कदे इकल्ले नहीं छड्डे जांदे, वो अपने परमेश्वर दे नाल हुंदे ने और दे नाल चलदा है। प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे। और बाई आयत ते आयत दे अंदर इसलिए राजे ने हुक्म राजे दा हुक्म तगीद नाल सी अते पट्ठी दा तौ अत वधीक सी। अग दी लोह ने सदरक मेसक ते अबदन गो दे सुट्टन वालियां नूं साड़ सुट्टिया। ओ पहलवान सड़ गए सदरक मेसक अबदन गो उस पट्ठी दे विच सन। और वचन कहिंदा है लिखिया है ते ए तिन्ने मनुख सदरक मेसक अबदन गो बधे हुए बल दी पट्ठी विच सुट दिते गए। 25 आयत नूं पढ़ना चाहुंदा। राजा वेख रिहा है
राजा हक्का पक्का हो रहा है, ओदे फौजी सड़ चुके ने, पर सदर कमीस कबदन को उस पट्टी वेच खुले फिर रहे ने। और उसने क्या असा किन्ने बंदे सटवाए ने पट्टी वेच, सारे ने हाथ खड़ा करके क्या कि असा तीन जाने सटवाए ने सदर कमीस अवदन को। पर याद रखो राजे ने क्या होते चार जाने मैनु विखाई देते ने, तुसी भी वेखो चौथा जिदा रूप द्योत्यां दे रूप वर्गा है, वो चारे जाने उत्थे फिर रहे ने, उन्होंने कोई भी सेक नहीं लग रहा, उन्होंने कोई सेक नहीं लग रहा, वो खुले पट्ठी विच फिर रहे ने। उठो चलिए सदर कमेस कबदन गो नू वेखिए, जेड़े मतलब सड़े नहीं। और सभी आज कहती है फिर नबुक नजर अग दी बलदी हुई पट्ठी दे बूए दे नेड़े आया, ओ बोलिया हे सदरक मेसक ते अबदन गो, अत महान परमेश्वर दे बंदो बाहर निकलो। ता सदरक मेसक अबदन गो अग दे विचो बाहर निकल आए, अते सजाद्यां दीवाना और सरदारा ने राजे दे सलाहकारा ने इकट्ठे होके उन्हां नूं डिठा कि अग दा ते उन्हां दे उत्ते कोई असर ही नहीं होया। असां बड़ा जोर ला लिया, असां सत गुणा पट्ठी भी ता के वेख ले, पर उन्हां दे उत्ते ते कोई असर होया ही नहीं। मेरे जी जो इत्थे 27 आयत है और असी देखते हाँ उन्हां तो अग दे जल दी बो तक नहीं आई। और 28 आयत विच राजा नबुक नजर बोलन दिया होया है और वो सारे लोकां नूं दस रहा है, सारे लोकां नूं दस रहा है, की दस रहा है, नबुक नजर ने पुकार के आख्या सदरक मेसक ते अवदन गोदा परमेश्वर मुबारक होवे, और अपने बंदियां नूं छडा लिया जिन्हां ने ओदे नाम उत्ते निशा कीती। राजे ने हुक्म, राजे दा हुक्म टाल दिता अते अपनियां शरीरां नूं नजर कर दिता और अपने शरीरां नूं नजर कीता। और उसने कहा सदरक मेसक अबदन गो दा परमेश्वर मुबारक होवे। मेरा जी जो फिर वो छेती छेती हुक्म दे रहा 29 आयत दे विच, और वो कह रहा इस करके मैं ये हुक्म जारी करता हाँ जो लोग या कौमां दा कौमां या पाख्या सदर कमीस कबदन गो दे परमेश्वर दे विरुद्ध कोई बुरी गल आखणगियां तां उन्हां दे टुकड़े टुकड़े कर दित्ते जाणगी। हां जा ना पासा बदल देंदे हन खुदा दे लोग, जिहड़े खुदा दे नाल चलते हन ओ जिंदगियां राजे दा दिल बदल के रख दिता। और राजा बहुत शर्मिंदा जाने की बहुत की कहना चाहिदा है मजबूत हो गया कि ए सदरक मेसक अते अबदन गोदा परमेश्वर मुबारक है, ए सच्चा परमेश्वर है। करन वाले बन जाइए, याद रखो सदरक मेसक अबदन गो दानियल ने ना कर दिती,
ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾਨੀਏਲ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨ ਗੋ ਦੇ ਗੋ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੀ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ।